नसरल्लाह की मौत के बाद इज़राइल पर हुए 35 मिसाइली हमले। जी हाँ, नसरल्लाह की मौत का बदला आखिर कौन लेना चाह रहा है? अब लेबनान के बाद इज़राइल का निशाना किस पर है जो अभी लग नहीं पा रहा है? क्या है वर्तमान स्थिति, इस पर पूरी विस्तार पूर्वक देंगे जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस वीडियो में न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे इज़राइल के हमले में मारे गए नसरल्लाह के बाद इज़राइल में बज रहे सायरन की। आखिर क्यों 35 मिसाइलों ने पूरे इज़राइल को थर्रा कर रख दिया और कौन है इसके पीछे, बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त इज़राइल के निशाने पर लेबनान के बाद अब यमन है। यमन में हुए हमले के बाद हूती विद्रोहियों के अंदर हाहाकार मची हुई है, क्योंकि हूती विद्रोही नसरल्लाह की मौत का बदला लेने वाले थे, इस तरह की खबरें चल रही थी। और इज़राइल की सेना ने हमला किया और हवाई हमले हुए हैं या रॉकेट से हमला हुआ है, इस पर बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। चूँकि अभी जो जानकारी मिल रही है इसमें बताया ये जा रहा है कि इज़राइल ने यमन के होदेईदाह पे हमला किया। होदेईदाह एक बंदरगाह है जहां पर हथियारों का भी आदान प्रदान होता है, और यमन इस बंदरगाह का इस्तेमाल अक्सर हथियारों को लाने और ले जाने के लिए किया करता था। चूँकि जानकारी ये मिल रही है कि इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हूती विद्रोहियों की मौत हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ये हमला किया गया था, और यमन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हूती विद्रोहियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लेकिन इज़राइल हूतियों के खिलाफ इतना आक्रामक आखिर क्यों है? कारण है नसरल्लाह की मौत, और नसरल्लाह की मौत के बाद से लगातार इज़राइल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसके दुश्मन हैं, और इन दुश्मनों ने यदि एक साथ हाथ मिलाकर एक साथ आकर हमला कर दिया तो क्या होगा। अब इसके पीछे का जो मेथड है, जो कहानी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या जो हमले हो रहे हैं, ये युद्ध के तौर पर नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर है, एक छद्म युद्ध है, जिसमें खुले तौर पर दो राष्ट्र तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक संगठन, कुछ सैन्य शक्तियाँ, कुछ अधिकारी ज़रूर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालाँकि नेतन्याहू ने खुले तौर पर इसे युद्ध ही कहा है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हूती विद्रोह इस बंदरगाह का इस्तेमाल, जहां पर हमला किया गया जिसे होदेईदाह कहा जाता है, और उस होदेईदाह बंदरगाह का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। और बमबारी इस बंदरगाह पर इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पर यदि हथियारों का आदान प्रदान होता रहा तो इसी तरह से इज़राइल में सायरन बजते रहेंगे, चाहे फिर वो हिजबुल्लाह के लड़ाके करें, चाहे फिर वो हूती विद्रोही करें। हमले में अभी जो जानकारी मिल रही है, इज़राइल पर कम से कम 35 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया गया, और इस वक्त इज़राइल में भी इस बात को लेकर भय है कि कहीं नसरल्लाह की मौत के बाद इस आक्रोश में हूती विद्रोहियों को वो ट्रिगर ना मिल जाए जो इज़राइल पर एक बार फिर बड़ा हमला करने की प्लानिंग करने के लिए उन्हें उकसाए। हालांकि आपको बता दें कि इज़राइल ने 1800 किलोमीटर दूर, इज़राइल से ये जगह 1800 किलोमीटर दूर है, जो कि होदेईदाह नाम से बंदरगाह है, और इतनी दूर सटीक निशाना लगाने वाली ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इज़राइल के पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो कई हज़ार किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर पिन पॉइंटेड टारगेट पर हमला करने में सक्षम है, जिसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में माहिर इन मिसाइलों का इस्तेमाल होदेईदाह बंदरगाह पर भी किया गया, और फिर लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा हमले लड़ाकू विमानों से हुए या फिर ये मिसाइल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचा, हालांकि इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी ये लड़ाई आगे इसी तरह से जारी रह सकती है, चूँकि इससे पहले भी लड़ाकू विमानों के जरिए यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले होते रहे हैं, और हूती विद्रोहियों पर अब पूरी तरह से आक्रोशित इज़राइल की सेना लगातार हमले कर रही है। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही थी कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हुई उस हमले में, उसके साथ कई और लड़ाकों को भी मार गिराया गया। लेकिन इस बारे में लेबनान की सेना का भी ये कहना है कि ये देश का और पूरे देशवासियों के लिए ये एक बुरा दौर है और ख़ास करके सेना के लिए, और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। चूँकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान की सेना ने अपने पहले बयान में इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि कम से कम 1030 लोग जब नसरल्लाह की हत्या की गई उस दौरान हुए हमले में मारे गए हैं। और अब देखना होगा कि हूतियों का आखिर क्या हाल इज़राइल करता है और इज़राइल पर हो रहे हमलों का आखिर क्या जवाब इज़राइल द्वारा दिया जाता है और इस हमले में किसकी जीत होती है, किसकी हार। लेकिन ये तो तय है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है और आग की लपटों में घिरा हुआ है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हो रहा है तो वो चाहे लेबनान, चाहे यमन, चाहे इज़राइल के बच्चों का हो रहा है, नौनिहालों का हो रहा है। इस युद्ध, इस छद्मवार में आखिर किसका हो रहा है ज़्यादा नुकसान और इसका आगे क्या होगा परिणाम, इस बारे में एक और विस्तारपूर्वक वीडियो हम बनाएंगे, बात करेंगे आपसे। लेकिन इस बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस वीडियो को लेकर और इज़राइल पर हो रहे हमलों और उसके पलटवार को लेकर, नसरल्लाह के जो जिम्मेदारी है अब उसके भाई जिस तरह से निभाएंगे, नए कमांडर होंगे हिजबुल्लाह के, उनके द्वारा क्या आगे कदम उठाए जाते हैं, क्या रणनीति उन्हें बनानी चाहिए और इस पूरी अशांति को, इस आग के लपटों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में रहेगा आपका वेलकम। इस वीडियो में फिलहाल